नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज मैंने दो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाई थी शेयर बाजार से हटकर, एंड एक ऑप्शंस की ट्रेडिंग पे और एक मैंने बताया कि कैसे हम लोगों का जो पैसा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कहां निवेश करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज मैंने दो डिफरेंट वीडियो शूट करी थी, एक ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर एंड एक कि कैसे हम लोग अपने कैपिटल को दिन पर दिन कम कर रहे हैं बैंक में और एफडी करके, और बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों की तरफ से उस पर। दोनों ही वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बट यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर कि कैसे सेल करें, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि भाई ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है एंड रिस्क अनलिमिटेड होती है। आपका सवाल जो भी है या जो भी जवाब है आपकी तरफ से, जो सवाल के लीजिए या जवाब के लीजिए, एकदम परफेक्ट है। इसको ही तो ट्रेड करना है। यहां रिस्क अनलिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट बनाने के चांसेस मोर देन 70% है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है लेकिन पैसा गंवाने के चांसेस 90% है। अब चुनना आपको कि आप ऑप्शन में बाइंग करके अपना स्टॉप लॉस रखते हैं या ऑप्शन में सेल करके अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। ये मेरा सिंपल सा जवाब हो गया। अभी मैं आप सभी के साथ किस पे बात करने वाला हूं, मैं बात करूंगा IEX इंडियन एनर्जी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के बारे में। अब इसके बारे में क्यों, क्योंकि कल जब मैंने आपसे कहा कि आप लोग कमेंट करिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर मैक्सिमम कमेंट IEX पे थे, तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। सबसे पहले IEX के आए नंबर्स, कब, दो दिन पहले, नंबर्स इनलाइन। मैंने आपके साथ प्रीव्यू शेयर करा और प्रीव्यू के बाद तुरंत नंबर्स आ गए थे, वो एग्जैक्टली मैच कर रहे थे, कुछ भी नेगेटिव नहीं था नंबर्स में, स्लाइटली पॉजिटिव ही थे, स्लाइटली। मार्जिन्स के नंबर अनुमान से अच्छे थे, प्रॉफिट अनुमान जैसा था, रेवेन्यू अनुमान से बेहतर था। कंपनी का प्राइस कुछ नहीं करा रिजल्ट्स के बाद और एक दिन बाद भी, रिजल्ट्स के समय भी। अगर किसी के पास पोजीशन है तो पहले मैं आपको अपना व्यू बताता हूं। 142 पे आप सभी के साथ बाय शेयर करा था कि बाय करके चलो कैश में, मुझे नहीं पता एक महीना लगेगा, मुझे नहीं पता दो महीने लगेंगे, मुझे नहीं पता तीन महीने, मुझे नहीं पता समय का, मुझे इतना पता है ये स्टॉक में अब गिरावट खत्म है, तेजी शुरू है। एंड उसके बाद एक बार स्टॉक 129 गया और नेक्स्ट या टू डेज के अंदर अंदर ही वो 156 हो गया था 50, लगभग 12-14-15% के समथिंग का स्पाइक आया था जब UBS ने इस पे 200 रुपए के टारगेट्स का रिपोर्ट निकाली। मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूं, जिसके पास भी है उनके लिए स्पेशली बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं बेचना। जिन पे नहीं है, 155.80 पे मिल रहा है, खरीद लो। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, खरीद लो। आपको डर लगता है यार कि गिर जाएगा पैसा, लॉस हो जाएगा, तो 3 रुपए के स्टॉप लॉस से 152 रुपए के, अभी तो 4 रुपए इंट्राडे में 155-54-50 आराम से मिलता है, कल भी देखोगे ना तो 154-135 तक गया है। सिर्फ ये समझो कि कितना गिरेगा, मुझे नहीं मतलब, मुझे 154-154-50 खरीदना है, भाड़ में जाए कहां जाना है, स्टॉप 2 रुपए का स्टॉप लॉस 152 रुपए का। जितना 152 के पास लोगे उतना छोटा स्टॉप लॉस हो गया। 152 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी मैं नहीं बेचूंगा, ये कसम खा लो। लॉस आपको पता चल गया कितना जा रहा है, मैक्सिमम लॉस 2-3 रुपए हो गया भाई, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ना आपका। 100 क्वांटिटी ली तो 300 रुपए, 1000 क्वांटिटी ली तो 3000 रुपए, इससे ज्यादा लॉस नहीं है। प्रॉफिट सुनो, सबसे छोटा टारगेट भी 162 का है, सबसे छोटा 160 भी बोल सकता हूं मैं, बट मुझे पता है 162 आ जाता है, तो 162 का लेके जाना है। मान के चलो 155 पे भी ले लिया आपने 3 रुपए के स्टॉप लॉस, 3000 के स्टॉप लॉस से 1000 क्वांटिटी, तो पहला टारगेट आपका 55 से लेंगे तो 7 रुपए का बनेगा, 7000 रुपए का। वो 7000 में पूरे नहीं करने बुक अगर आता है तो, स्टॉप लॉस हो गया तो 3000 गए, आगे अगर 162 तो वहां 7000 में से 3000 बुक कर लो, सिंपल 3000 बुक कर लो, बचे हुए स्टॉक्स होल्ड करो। उन स्टॉक को जो होल्ड कर रहे हो आप, स्टॉप लॉस ले आओ 155 पे, यानी कि बाइंग से भी ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया आपका, या फिर बाइंग का स्टॉप लॉस मान लो, और ट्रेल करो 175-190, ये दो टारगेट्स के लिए। ये स्टॉक बड़ी गिरावट के बाद साइडवेज हुआ, पॉजिटिव हुआ, फिर साइडवेज हो रहा है, बड़े चार्ट्स पे फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। यूबीएस की शानदार रिपोर्ट, नंबर्स की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, अच्छे थे, कुछ कमी नहीं थी, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा।
किस दिन जाएगा आपको मुझे नहीं पता, लेके बैठे रहो अगर बैठ सकते हो तो। पिछले कुछ दिनों में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, होप आपको भी समझ में आई होगी वीडियो। एंड आप लोग एग्री करते हो डेफिनेटली करना, नहीं एग्री करते हो इसको, आपके व्यू को भी मैं डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट योर व्यू, और आप जो भी समझते हो वो भी बेस्ट है। मार्केट में सबका अपना अपना व्यू है, जो मेरा था मैंने शेयर करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।